हाँ जी नमस्कार। मुर्गे में किसी को परेशान करना यही जरूरी नहीं है, हम मुर्गे में किसी की मदद भी करते हैं। और आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है मेरा मदद करूं, इन साहब का इंटरनेट नहीं चल रहा, फोन मिलाओ इनको। मिलाओ जी। सुनील जी नमस्कार, मैं इंटरनेट ब्रॉडबैंड से बोल रहा हूँ, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा सर। जैसे आपने बताया इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मैं पूछ सकता हूँ आप इंटरनेट किस पे यूज कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे। आपने जरा ऑन कर लेंगे सर ताकि मैं चेक कर सकूँ यहाँ से? एक मिनट। हाँ सर, एक मिनट जी। हाँ जी, हो गया। मुझे आप बताइए, नीचे जो देख के बताइए, जहाँ इंटरनेट बाहर होता है आप नेटवर्क कनेक्शन की तरफ देखेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है? नेटवर्क कनेक्शन में दो ऑप्शन होंगे, मेरे को पढ़ के बताइए सर जरा। इसमें दो ऑप्शन है, ऑप्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, एक है यूज द फॉलोइंग आईपी। नहीं नहीं, आपको ऑप्टेन द आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली रखना है सर, ये वाला ऑन करके देखिए। एक बार कुछ हुआ सर? दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अभी नहीं हुआ रहा सर। आप मेरे को ये बताइए सर, आपने ये लैपटॉप कहाँ रख रखा है? टेबल पे रखा है। और आप खुद कहाँ बैठे हैं सर? मैं चेयर पर। यार ये गलत कर दिया, आप टेबल पे आ रही है, लैपटॉप को चेयर पे रख दीजिए सर, जल्दी कर लीजिए। ऐसे भी चल जाता है क्या सर? ये वायरिंग की प्रॉब्लम होती है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आ जाइए सर जरा। अरे एक मिनट रुकिए। हाँ जी रख लिया। अभी काम करिए, एंटर मार के देखिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओ मैं समझ गया सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी इंटरनेट बार जो होता है जहाँ पे एड्रेस लिखते हैं वहाँ पे जो मैं बोलूँ वो टाइप करिएगा, लिखिए 3 times www सर, 3 times मतलब 3 बार www ऐसे लिखिए, www सर। बिल्कुल सर, एंटर मारिए। नहीं चल रहा अभी भी। ओहो सर, ये आपकी डब्ल्यू में प्रॉब्लम है मेरे को क्या लग रहा है। एक काम करिए सर, आप टाइप करिए MMM करिए जरा। MMM अभी काम करिए सर, लैपटॉप उल्टा कर दीजिए लैपटॉप। उल्टा कर दीजिए। हाँ सर, क्योंकि आपका W जो है वो काम नहीं कर रहा है, W काम नहीं कर रहा है, तो www जो लिखा है आप उल्टा करके देखेंगे ना, तो आपको आप जब MM टाइप करेंगे तो वो W लगेगा आपको। करिए जरा भाई, ये किस तरीके से बता रहा है यार? जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, दिमाग खराब आप कर रहे हो यार, आपको यही पता नहीं चल रहा मैं आपका कब से मुर्गा बना रहा हूँ। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये इंटरनेट के काम तो मुझसे भी नहीं होते सर, मेरे भी खराब पड़े। www मुर्गा बन गया सर आपका, थैंक यू सो मच। हेलो, इज इट राघव? राघव देसाई। राघव भाई, आई एम सुमित। हाय सुमित। तो आपने रेडियो मिर्ची पार्टिसिपेट किया था दिस आईफोन 5C कॉन्टेस्ट जो चल रहा है। ओह या 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 या, आई मैसेज देम। राघव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम आईफोन। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस राइट नाउ? डूड, दैट इज सो एपिक, आई वाज होपिंग फॉर दिस सो मच यार। मेरे को इतना मन था कि मुझे कॉल आ जाए, मिर्ची से आ जाए, आईफोन से आ जाए, कहीं से कॉल आ जाए यार। दिन से वेट करे जा रहा हूँ कि मुझे ये फोन आ जाएगा। आई वाज एक्चुअली होपिंग, पता नहीं समवेयर आई वाज होपिंग कि मुझे ये फोन आएगा। आई एम सो हैप्पी राइट नाउ दैट यू गाइस कॉल्ड मी। यू हैव नो आइडिया मैन, यू हैव नो आइडिया, आई कांट वेट टू गेट माय हैंड्स ऑन दैट फोन। यू नो व्हाट राघव, यार मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। आप क्यों इंतजार कर रहे हो बॉस? ये रेडियो मिर्ची में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो आप मुझे आईफोन नहीं दे रहे? नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो खुद जीतने के लिए बैठा हुआ हूँ ना कि आईफोन मिल जाए। व्हाई द हेल डिड यू से दैट यू आर कॉलिंग फ्रॉम आईफोन? तो आईफोन से ही बात कर रहा हूँ ना मैं। तो यार तुमने फोन किया और तुम झूठ ही कह रहे हो कि यू आर कॉलिंग फ्रॉम आईफोन। तो मैं आईफोन से ही कॉल कर रहा हूँ ना आपको। तो आईफोन से कॉल कर रहा हूँ का मतलब क्या होता है? आईफोन से कॉल करने का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो फोन है वो आईफोन है, उससे कॉल करता हूँ मैं। एक बात मेरे को क्लियर करो, जब मैंने फोन उठाया आपने मेरे को छूटते ही कहा दैट यू आर कॉलिंग फ्रॉम आईफोन। आई एम स्टिल कॉलिंग फ्रॉम आईफोन, मैं आईफोन से ही बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये पीछे तालियां किस बात की बज रही है? हमारे घर बजती रहती है, हमारे घर खुशियां हैं, बजती रहती है तालियां, ताली बजाने में क्या है यार? तू कौन है यार सुमित, व्हाटएवर द हेल योर नेम इज, ये घर में घुसके मारूंगा तेरे को। राघव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और ये हकीकत है, मैं आईफोन से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये आईफोन है, मैं उससे ही बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आईफोन 5C तुम जीतोगे अगर ऐसे ही लगे रहे, ऐसे ही अपना दिमाग लगाते रहे। बट ट्रस्ट मी, बिलीव मी, सचमुच आई एम कॉलिंग फ्रॉम आईफोन। हमें भी दिलवा दो यार नवीद जी, हमारा भी हो जाएगा कुछ काम। एक इंसान जो दिल्ली से जलंधर ट्रांसफर हो रहा है, वो चाहता है कि उसकी मोबाइल सर्विस जलंधर की शुरू हो जाए ताकि रोमिंग से बच सके और पैसे बचाएं। पैसे तो नहीं बचाएंगे, मुर्गा बनाएंगे। कॉल मिलाओ। हेलो, कुड आई स्पीक टू शांतनु प्लीज? जी शांतनु जी, वेरी गुड इवनिंग, मैं से बोल रहा हूँ। मुझे पता चला कि आप जलंधर ट्रांसफर हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि जलंधर की सर्विस आपको मिल जाए। एग्जैक्टली समझ सकता हूँ आप क्या चाह रहे हैं।
सर वो मैंने डाली थी, एक्चुअली मेरी जॉब लग गई है जलंधर में। सर मैं ये चाह रहा हूँ मेरा जो ये नंबर है, नंबर मेरा यही रहे, ये बंद ना हो ना ये चेंज हो, क्योंकि ना मैंने बहुत ज्यादा दे रखा था, मेरा नंबर यही रहे। मैं बिल्कुल समझ गया, अभी आपकी कॉल हम जलंधर ट्रांसफर करेंगे, जलंधर के कस्टमर केयर में हमारे आदमी बैठे होंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपके जलंधर की सर्विस को शुरू कर देंगे। आप प्लीज लाइन पे रहिएगा। ठीक है सर, कॉल दिल्ली तो जलंधर ट्रांसफर किया जा रहा है, कृपया करके लाइन पे रहो, कॉल दिल्ली तो जलंधर ट्रांसफर। मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? हेलो सर, ये मेरे को ना अपना नंबर जो है, मेरी जलंधर में जॉब लगती है। ओए बल्ले ब्रा, ओ आपने बताया नंबर चेंज करना है, जलंधर में मेरी जॉब लगी है तो नंबर मैं चाह रहा था वही रहे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नंबर दे रखा है। कर देंगे, कर देंगे। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा बंदर, पता नहीं क्यों चेंज कर रहा है नंबर। प्लान कौन सा लेना है, प्लान कौन सा लेना है? कॉल सुना जा रहे हो, कोई बात नहीं है, मेरी बात का आपने सही है। शावे नाराज क्यों हो रहा है? आपकी कॉल हमारे जो सीनियर है उनको ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप चिंता ना करे, होल्ड करिए। ट्वेंटी कॉल सीनियर मैनेजर नो ट्रांसफर की जा रही है, कृपया करके लाइन पे बनी रहो। ओ बल्ले शावा, किस तरह आपकी सहायता मैं कर सकता हूँ? मेरी बात तो सुनिए सर। चुप करो मेरे हनी सिंह। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था कि आप दिल्ली से जलंधर जा रहे हैं और जलंधर की सर्विस चाहते हैं, तो जलंधर में सर्विस का वेलकम ऐसे हो तो मजा ना आ जाए। मुर्गा बन गया आपका। सर एक बार मेरे साथ ये प्यार से बोलिए ताकि मजा आएगा, सर्विस शुरू करने में टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। कहीं जॉब निकले और मैं अप्लाई ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मुर्गा बनाओ। सर कुड आई स्पीक टू द कंसर्न पर्सन ऑफ दिस कंपनी? मैंने आपकी कंपनी का एड देखा था लैंग्वेज कमांड के लिए। हाँ जी हाँ जी, क्या मैं जान सकता हूँ, कौन बोल रहा है? सर मैं राधे बोल रहा हूँ। मैंने आपका जब एड देखा कि आपने लिखा हुआ है कि अगर आपको ज्यादा लैंग्वेजेस पे कमांड हो तो आपको जॉब मिल सकती है। सर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर मैं एक्चुअली 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है मेरे को, तो मैं अप्लाई करना चाह रहा था। अदरवाइज तो मैं वैसे काम कर रहा हूँ सर एक जगह, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो। तो आप अभी क्या करते हैं, क्या एक्सपीरियंस वगैरह क्या है? सर मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल से मैं 7 लैंग्वेज पे जो मुझे कमांड है मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरी काफी तारीफ करी जाती है सर। मेरे बॉस भी कहते हैं पुराने, भाई तू बड़ा कमाल का आदमी है, तेरे को 7 लैंग्वेज पे कमांड है। काफी पीठ थपथपाते मेरे को, कहते हैं तू छोड़ के मत जाइयो। लेकिन मैं ना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ सर अलग अलग कंपनी, तो मैंने आपका एड देखा, उसमें लिखा हुआ था अगर आपको तरह तरह की लैंग्वेज पे कमांड है तो आप अप्लाई कर दो, इसलिए मैंने आपको बात करी सर। तो आप आज ही इंटरव्यू दें। सर इंटरव्यू देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है? क्योंकि सर देखिए ऐसा बंदा आपको मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हो, तो थोड़ा सा आप मेरे को बता देंगे आपकी कंपनी क्या करती है सर? बेसिकली हमारी कंपनी टूर्स एंड ट्रैवल्स का सारा डीलिंग करती है, और इसके लिए हमें कस्टमर सर्विस सेंटर्स के लिए अपने मेंबर्स चाहिए जो कि मिनिमम 5 कमांड को आती है। सर मैं कमाल की बात है, 7 लैंग्वेजेस में कमांड है, आप 5 की बात कर रहे हैं। लेकिन सर आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अप्लाई करने से पहले या इंटरव्यू देने से पहले सर मैं जान सकता हूँ? डोंट माइंड सर, प्लीज डोंट माइंड सर, ये पैकेजेस वगैरह आपके क्या होते हैं सैलरी वाइज, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा था। बहुत बढ़िया, ये तो सर आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम राधे है सर, राधे, 7 लैंग्वेजेस में कमांड है। थोड़ा सा पैकेजेस के बारे में बता दीजिए, क्या सैलरी वैली रहेगी? आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अपना इंटरव्यू फिक्स कर लीजिए। सर वो तो मैं फिक्स कर लूंगा अपॉइंटमेंट लेके, लेकिन मैं पहले पूछना चाह रहा था कि मतलब क्या सैलरी देते हैं आपको, क्योंकि सर ऐसा बंदा मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस में कमांड है, यू नो। You will get, see, our company is pretty big, so you will get a good amount of money, and it all depends on your skills, how much you can do and what all responsibility. सर वो तो ये है कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, 7 लैंग्वेजेस जो मेरे पास है उसमें मैं सब कुछ कर लेता हूँ। 7 लैंग्वेजेस में कमांड जिस बंदे को, उससे सर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सारी इन लैंग्वेजेस पे मेरे को कमांड है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं सर। फिर भी आपसे पूछना चाह रहा था सर, कितना मिल जाएगा मतलब इनिशियली? Listen. You have 6 days working. Yeah, sir. You will get all the perks. Your petrol. सर पेट्रोल पार्क से कुछ नहीं होता, आई एम सो सॉरी सर। फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे मेरे को पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, फुल कमांड है,
तो मैं थोड़ा सा आपको पैकेजेस के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था, क्या सैलरी वैली क्या देते हैं अगर आप, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ आपकी कंपनी सर? 30,000 आपका कमांड सर, ये 30,000 में तो सर आपको मतलब 7 लैंग्वेजेस पे जिसको कमांड हो 30,000 में वो बंदा मिलता है सर? क्या बात कर रहे हैं सर आप, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, आप चाहे टेस्ट ले लो, मेरे को 7 लैंग्वेजेस का कमांड है, ऐसा बंदा आपको मिलेगा नहीं। थोड़ा सा आप लैंग्वेजेस के बारे में बताएंगे? मैं आपको लैंग्वेजेस के बारे में बता दूँ सर, आप बताइए, मैं जिन लैंग्वेजेस में मेरे को कमांड है सर, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, चाइनीज सर, ग्रेट, जापनीज, अरे ग्रेट, सर फ्रेंच, ओके, और सर मेरे को ये भी आती है स्पेनिश, स्पेनिश, ठीक है, अमेजिंग। अच्छा मुझे बताइए स्पेनिश में आपकी कितनी कमांड है? सर स्पेनिश में मेरी बहुत अच्छी कमांड है सर, आप कुछ बोलिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी बोलिए स्पेनिश में। हाँ एक बार आप बोलिए कुछ। नहीं सर समझे नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए ना, कुछ भी बोलिए स्पेनिश में, मैं आपको सुन के दिखाऊंगा। सर मेरी स्पेनिश में सुनने की कमांड है, मतलब मैंने जो 7 लैंग्वेजेस हैं उसको मैं सुन सकता हूँ, और इतनी अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ। अभी हमारी कंपनी में डेलीगेशन आया था चाइनीज, वो ऐसे कर रहे थे चीपो चीपो चो 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 चीपो चाउमिन, इतना बढ़िया सुन रहा था, मेरे बॉस कहते क्या सुनता है यार तू, और सारी लैंग्वेजेस सुन लेता हूँ सर मैं, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती नहीं, पिछले 20 साल से 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, 7 लैंग्वेजेस को सुन सकता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को सुनने में। नहीं इतना मतलब कुछ भी आप जैसे हेलो सर समझे नहीं आप, मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरी जो है 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, जिन लैंग्वेजेस को मैं सुन सकता हूँ सर। अब आप तैयार है मेरे को अपॉइंट करने के लिए, कब आ जाऊँ? साले मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मैंने आपका एड देखा था और मैंने कुछ गलत नहीं कहा, आपने कहा था 7 लैंग्वेजेस पे कमांड होनी चाहिए, तो बोलने की तो बात ही नहीं हुई थी, मैं 7 लैंग्वेजेस सुन सकता हूँ, और आपको ये बता रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था सर आपका, कंग्रेचुलेशंस बन गए आप। हेलो, हाय निखिल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वाधवा क्लिनिक, द ईएनटी स्पेशलिस्ट। ओह या, एक्चुअली मैं उनसे मिलने चाह रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मेरे कान में दर्द हो रही है। एक्चुअली निखिल वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है एक पेशेंट का, तो आप होल्ड करिएगा, फोन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ही लेके चली जाती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है सिस्टर, डॉक्टर वन सेकंड, या अभी ब्लीडिंग रुकी नहीं है डॉक्टर वाधवा, ईसीजी चेक, वन सेकंड मैं बात करूं, कौन है? निखिल है फोन लाइन पे, होल्ड पे रखिए, अभी सर्जरी कर रहा हूँ ना, अब यहाँ पे नॉर्मल बीपी दिखा रहा है क्योंकि पेशेंट का जब ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम होती है कान के पर्दे में, तो यू नो अभी देखो स्ट्रेट जा रही है लाइन, राइट, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्दा निकाला है ना, नाउ दिस इज फाइनल स्टेज है, अब पर्दे को बंद करना होगा, पर्दा कहाँ गया कान का, फिर पर्दा मैंने यही कहीं रखा था पर्दा ना, अभी उसका मैंने बंद करना है, एक सेकंड रुको, दूसरी वाली ट्रे में चेक कर, ट्रे में यहाँ भी नहीं है इसका पर्दा, कहाँ गया ये देखना, इसके नीचे तो नहीं है, ये चेयर के नीचे नहीं है, अपने पॉकेट में चेक कर, पॉकेट में, एक सेकंड, ये क्या है सर? ये तो गुटखा है, रोजी टॉयलेट में देख के आओ, मैं वहाँ भी गया था टॉयलेट में, सर टॉयलेट में तो नहीं है, मेरे जूते के नीचे देखना, ये सोल पे क्या चुंगा में पड़ता है, ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग बढ़ रही है, एक काम करो ऐसे बंद कर दो बिना पर्दे के, सब कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम वही होगी घर वालों को भी चिल्ला के बोलना पड़ेगा थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिच कर दो, स्टिच कर दो और मैं निकल रहा हूँ, फोन दो इधर। हेलो डॉक्टर जी, वो मेरे पैर में आजकल काफी दर्द हो रही है, तो पैर में क्या कर? मैं आप, उसने मेरे को बताया आपके कान में प्रॉब्लम है कुछ, ईएनटी रिलेटेड? नहीं नहीं कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैर में प्रॉब्लम है, पैर में मैं चलता रहता हूँ, तो मैं खुद ही मेडिसिन लेके देखता हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ मैं फिर आपको कॉल कर लूंगा। कुड आई स्पीक टू समर्थ? बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि किस मुंह से आपको थैंक यू बोलूं, मैं समझा नहीं कौन बात कर रहे हैं? नहीं मैं देखिए मेरे पास तो आई डोंट हैव इवन वर्ड्स, यू रिमेम्बर अभी पिछले हफ्ते आप ब्लड डोनेट करके आए हैं, एंड यू नो बेस्ट पार्ट, ना जान ना पहचान लेकिन फिर भी आपने ब्लड दिया, जी ये तो इंसान के, इंसान देखिए ये हम मदद कर सकते हैं, यू नो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ समर्थ आपकी, रिस्पेक्ट, थैंक यू। वैसे अब उनकी कैसी तबीयत है, क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया था, हॉस्पिटल था मैं, ब्लड बैंक में ही डोनेट करके चल दिया था, आप उनसे मिल नहीं पाए थे? मैं अभी हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ और हम सब साथ में हैं, उनसे बात हो पाएगी? बात मैं आपकी बात करा देता हूँ, एक सेकंड आप होल्ड करिए, प्रॉब्लम ये है ना टाइमिंग्स होते हैं ना मिलने के, आईसीयू में है, बिल्कुल बिल्कुल,
हाँ रुकिए रुकिए, समर्थ आप लाइन पे रहना। हाँ जी जी जिमी, दो मिनट हेलो बोलो उनको, हेलो बोल ले उनको जिन्होंने ब्लड दिया है फोन पे। उठ गया उठ गया जिमी, हेलो बोलो, हेलो बोलो, या टॉक टू जिमी, हेलो ही इज लिसनिंग यू, हेलो हेलो यस, ये कुत्ते को चला रहे हो मेरा खून, आराम से बात कर यार, आईसीयू है, हेलो यस, चिल्ला क्यों रहा है आईसीयू में, आईसीयू में चिल्ला क्यों रहा है, जब तेरी तबीयत खराब होगी इसमें से निकाल के तेरे में डाल देंगे, क्यों क्यों उठा कर रहा है। हेलो, क्या आप तैयार हैं? तैयार किसके लिए? वही तो बताने को कॉल किया है, शुरू है कबड्डी लकड़ भागी, जानिए इस संडे शाम 7:30 तालका चोर स्टेडियम दिल्ली में। सॉरी, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू अटेंड, थैंक्स। Hello. Thank you for not attending Kabaddi Lakad Bhaggi. Are you people mad? I told you I don't want to be there. Thanks. Bye. Hello. Hi. Could I speak to Kanchi, please? Kon Kanchi? Shaniyas Ravi Wataka Chol Stadium mein pehel wat Kanchi go. What the f***, dude? I'm not interested in your f***ing Kabaddi. Agar aap log ne phir call kiya na, I swear, main police mein complain kar dungi. Hello, excuse me. I'm calling from the Delhi Administrative Office. Oh, I'm so sorry. I thought it was somebody else. No, that's yes, okay. Not me. A problem. I just wanted to ask ki aapko apna voters card mil gaya hai. Aap vote dalenge? Aapke paas time hoga vote dalne ka? I'll obviously cast my vote. Of course, I have time. So. Agar time hai to you Hello. मैडम, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, ये कुछ लोग आपको फोन करके परेशान कर रहे हैं क्या? पता है कितना मेरे को सुबह से इन लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है। नहीं नहीं, I'm sorry, क्या कह रहे हैं? I just don't know, they're calling me for kabaddi. तो सही तो कह रहे हैं, वहाँ जाइए देखिए कबड्डी। Hello. You have a voice message from पहलवान जगाइस। You motherfucking bastard! I cannot believe you. मतलब क्या problem क्या है? Hello. Yeah, please. गाली मत दीजिए यार, please. तो बोलो। मैं मेरे पास मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैं मजाक कर रहा था आपसे, मैं मुर्गा बना रहा था आपको। पहलवान का जय। नवेद, you should go die. हेलो, ठीक नहीं है ये जो सुन रहा हूँ मैं, मतलब तेरे पापा से जो मेरी बात हुई है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं करूँगा बेटा, ठीक नहीं है ये। हाँ जी अंकल, पढ़ाई में दिल नहीं लगाओगे कैसे कामयाब बनोगे ये बताओ, और ये बड़े बड़े लोग ऐसे नहीं बन गए हैं, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कमलेश सुखेजा, इन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं। हाँ जी अंकल, ये बड़े बड़े लोग, इन्होंने ऐसे ही नहीं पैसा कमा लिया और नाम कमा लिया, अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, कमलेश सुखेजा, ऐसे ही नहीं बन गए, मेहनतें करी है इन्होंने। हाँ अंकल, वो तो मैं एक दिन लेट आया था खेल कूदने में। बेटा मैं मना नहीं कर रहा, खेल कूदने की इंडस्ट्री को देख लो, सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, बेकहम, कमलेश सुखेजा, इन्होंने मतलब कुछ मेहनतें करी है जब नाम कमाए हैं, शुरू से मेहनतें। आप सोचो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कमलेश सुखेजा, आप किसी का उठा के देख लो, पढ़ो जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पढ़ो इंदिरा गांधी के बारे में, पढ़ो कमलेश सुखेजा के बारे में। कमलेश सुखेजा कौन है? मतलब जवाहरलाल नेहरू पता है, महात्मा गांधी पता है, उसके साथ कमलेश सुखेजा। कमलेश सुखेजा बेटा, हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ सर पढ़ी है। हिस्ट्री में नहीं था कमलेश सुखेजा, समझा? पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट लेता है, नहीं लेता है? थोड़ा तो उसमें नहीं है कमलेश सुखेजा, किसी पार्टी में नहीं है, समझा? वहाँ भी नहीं है कमलेश सुखेजा। पूछ रहा मतलब स्पोर्ट्स का जरा सा भी शौक नहीं है तेरे को? सर आईपीएल देखा, इसीलिए तो उसी में लगा रहा था कमलेश सुखेजा, कैसे पता चलेगा? वहाँ नहीं है कमलेश सुखेजा, वहाँ भी नहीं है। रेडियो सुनता है? हाँ सर रेडियो सुनता है। तो रेडियो मिर्ची पे भी नहीं मिलता कमलेश सुखेजा, क्योंकि रेडियो मिर्ची पे तो नवेद मिलता है, और वो खुद परेशान है, हम तो खुद परेशान है। कमलेश सुखेजा
एक सेकंड गूगल करता हूँ कमलेश चुकेजा। वी आर वेरी कंफ्यूज्ड, कमलेश चुकेजा कौन है? मैं नवेद हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं तो फोन करता हूँ लोगों को और प्रैंक कॉल करता हूँ उनके साथ, बट कसम से मुझे नहीं मालूम कमलेश चुकेजा कौन है। हम पता करेंगे हम जल्दी पता करेंगे और आपको बताएंगे कमलेश चुकेजा कौन है। हेलो कुमार जी, गुड इवनिंग, मैं होंडा से बोल रहा हूँ। कोई आपने एक महीने पहले हीरो होंडा खरीदी थी, आई थिंक खरीदी थी सर, आपको मालूम होगा हीरो होंडा अलग हो गई है अब। हाँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था सर, जो होंडा के पार्ट्स है ना वो आपके बाइक में से निकालने पड़ेंगे अभी हमें। होंडा के पार्ट्स बाइक में से निकाल लेंगे हम। इसमें जैसे क्रैंक होंडा की थी वो निकाल लेंगे, पिस्टन निकाल लेंगे, स्पार्क प्लग आपको देना पड़ेगा, साइलेंसर हमारा है और स्पीडोमीटर हमारा है, ये हम आपसे ले लेंगे सर। तो दे लेंगे वो मतलब फिर हमको रिप्लेसमेंट कुछ देंगे ना? वो सर हम नहीं जानते ना, वो तो आप हीरो वालों से बात करो कि सही बात करो, ये सामान हमारा है क्योंकि कंपनी अलग होगी ना, आपने पढ़ा भी होगा पेपर में अभी। पढ़ा तो है लेकिन आप ये सोचिए, आप ले लेंगे, हम रोज ऑफिस जाते हैं कैसे जाएंगे ऑफिस? तो सर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना, क्रैंक पिस्टन स्पार्क प्लग साइलेंसर और स्पीडोमीटर ये मैं कल भेज देता सर इंजीनियर को, कल आते आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी? सर ये हीरो की जिम्मेदारी है ना, आप मेरे पे क्यों कह रहे हैं? ये सामान तो हमारा है ना, मैं उनका सामान तो कोई भैया आपने मिल के पहले क्या खिचड़ी पकाया हमको क्या मालूम, और आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अरे तो सर आप मेरे पे ऐसे चौड़ा हो रहे हैं, आपको तो पेपर में भी आया है। तो साला हमको भी तो कुछ चाहिए, अगर तुम ये सब ले जाएगा सब कुछ निकाल के तो हमारे पास क्या बचेगा? पार्ट तो तुम उनसे होंडा वाले से बात करो, हीरो वाले से बात करो, अब हम पे क्यों इसका वो कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं, आपकी पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता नहीं अपने कस्टमर से बहस करना, पूरी गाड़ी जब्त हो जाएगी। ठीक है हम दे देंगे, लेकिन बताइए कहाँ देना है? इन्हें का मेरे को पता नहीं है, वो आपको शायद कॉल वॉल आ जाएगा। धन्यवाद सर। हेलो कुमार जी, मैं हीरो से बोल रहा हूँ। सर आपने अभी हीरो होंडा ली थी क्या एक महीना पहले? हाँ ली थी। तो आपको तो पता ही चल गया होगा हम होंडा से अलग हो गए हैं, तो सर ये आपके बाइक में जितने भी ये हीरो के पार्ट्स है ना ये सब आपको हमारे वापस करने पड़ेंगे। फ्यूल टैंक है, क्लच प्लेट है, गियर बॉक्स है, व्हील्स है और हेडलाइट है, ये आपको परसों दे देंगे हमको? उधर फोन करता है कि हमको गियर बॉक्स और करेंगे दे दे, तुम कहता है तुम फुल टैंक दे दे, हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा? मेरे को क्या पता उधर से क्या फोन आया? तुम क्या बात करते आ रहे हैं? कुमार जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि आपने डेढ़ महीना पहले हीरो होंडा ली थी, आपकी बाइक ऐसी ही रहेगी, आपका मुर्गा बन गया है। ऐसा मजाक करते हो यार? अजी मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए। आजकल के जमाने में जॉब मिलनी कितनी मुश्किल है यार, और मैंने सुना है कि एचआर के लोग बड़े प्यारे होते हैं, इनसे अगर प्यार से बात करो तो किसी को जॉब दे भी देते हैं। एक इंसान है जिनको जॉब नहीं दी एचआर डिपार्टमेंट ने और ये कहा है कि मुर्गा बनाओ एचआर वालों का, और कंपनी बड़ी ख़तरनाक पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कोई कंपनी है जिसमें अप्लाई किया था। बनाओ जी। हेलो, ये सुशांत मेहता, आप पेट्रोकेमिकल एनर्जी कंपनी से बोल रहे हैं? ये एचआर डिपार्टमेंट में सर, आप ही एचआर डिपार्टमेंट में, मेरे को आपसे पूछना है सर। मैं रुपेश बोल रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया था और मैं क्वालिफाई तो हुआ नहीं सर उसमें। तो फिर वजह मैं आपसे पूछ सकता हूँ सर, क्यों नहीं किया उसमें आपने? क्वालिफाई नहीं हुए तो व्हाई यू कॉलिंग मी सर? क्योंकि एचआर में आप हैं, आपसे ही तो पूछेंगे भाई, मतलब आपने टेस्ट भी नहीं है सारे, और मेरे को अगर कम से कम राइट टू नो तो है मेरे पास, राइट टू नो लेफ्ट टू नो सारे मेरे पास है, क्यों नहीं दी सर जॉब? सर आप समझ नहीं रहे, मैंने सोर्स भी लगवाई थी, आपको याद है मिस्टर भट्टी? मिस्टर भट्टी ने आपको फोन किया था मेरे लिए, रुपेश के लिए, कि रुपेश मेरा आदमी है, याद आया आपको कुछ मेरी? नो, आप कौन है? ये मिस्टर भट्टी आप ही ने फोन किया? यस 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 सर, मेरी पोस्ट सर, आप ये पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में मैं नहीं काम करूंगा तो कौन करेगा सर? सोचो ना आप, यू आर दी एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ द पर्सन जो खुद तो कुछ करना होता नहीं और आप दूसरों से फोन करवा रहे हैं अपनी जॉब लगवाने के लिए। सर कम से कम आप ये तो बताओ ना, मेरे में कमी क्या है ये बता दो भाई, मैं फोन नहीं करूंगा कल से, कम से कम आप ये तो बताओ ना कमी क्या है, क्या कमी थी उसमें? जॉब आपने क्लियर ही नहीं करा अगर टेस्ट वाला राउंड, तो इसलिए आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया ना। नो, वन थिंग आई वांट टू मेक वेरी क्लियर टू यू, आप जैसे लोगों को तो जॉब मिल ही नहीं सकती कभी। पहले तो आप अपने आप कुछ करते नहीं है ना, पढ़ते लिखते, उसके बाद आप फोन करवाते हैं, पोस्ट लगवाते हैं नौकरी लगाने के लिए। सर ये कोई बात नहीं होती, देखो ये कोई बात नहीं होती, आप देखो आप अपना काम कर रहे हो सर, ऐसे तो मत करो ना, कम से कम आदमी इंटेलिजेंट है तो उसको तो रखना चाहिए ना सर, ये बात तो गलत है। मैं अच्छी तरह पहचानी हूँ आपको, आप वही है जिनके कहने पे मैंने मिस्टर भट्टी मिस्टर भट्टी आंसर शीट भी चेक करी थी।
एंड मुझे शर्म आ रही है कहने में, आपको इतना तक नहीं पता व्हाट इज एनर्जी, और आप यहाँ नौकरी के लिए फोन कर रहे हैं। आपको मालूम है, डू यू हैव एनी आईडिया, डू यू नो व्हाट इज एनर्जी? सर पूरा तो नहीं आता व्हाट इज एनर्जी, लेकिन आधा तो सर आता ही है कम से कम, मतलब आधा तो आता है। करियर को भी तो आधा ही बनाओगे ना? आई एम श्योर तुम्हें आधा भी नहीं आता सर, आधा आता है सर। आई चलिए बताओ सर, टेल मी व्हाट इज एनर्जी? सर आधा आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, आधा ही आता है। आधा सर, एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था कि किसी ने आपके यहाँ अप्लाई किया था। किसी के बाप को भी एडमिशन मत दीजिएगा सोर्स से, और जिसको एनर्जी पूरी ना आती हो उसकी तो एनर्जी मैं निकलवा दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो, हाय, मैं दीप। बैंक में हमने अप्लाई किया था चेकबुक के लिए, तो बैंक वालों ने कहा था कि आपका पैन कार्ड का डिटेल नहीं है, तो पैन कार्ड का डिटेल लिखवाना था आपको। लिखवाइए क्या, पैन कार्ड नंबर? एक सेकंड, पैन कार्ड कहाँ गया? हेलो हेलो, आई एम सो सॉरी, वो मेरे हस्बैंड के पास है, आप कहें तो मैं उनको लाइन पे ले लूं। मुझे जब मिल जाए तब कॉल। क्या दो मिनट में कॉल करिए, मतलब आप कस्टमर को क्या समझते हैं? आप दो मिनट होल्ड नहीं कर सकते? होल्ड कर लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। होल्ड करिए। हेलो हेलो, कैलाश, दीप बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? पैन कार्ड तुम ले गए क्या अपने साथ? तुम क्या करोगे पैन कार्ड का करके? अरे मुझे वो लिखवाने है ना डिटेल चेक के लिए। तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ी रहती है यार, मैं शाम को आ रहा हूँ। मैं यहाँ उनको मैंने अभी डांटा है, वो खुद फोन लाइन होल्ड कर रहे हैं। तुम तो हर इंसान को डांट देती हो। जेब में देख लो, मैं यहाँ पागलों की तरह बैठी हूँ, सुबह से कॉल कर रही हूँ। तो मैं भी यहाँ फ्री थोड़ी ना बैठा हूँ, जिद पे अड़ जाती हो तो फिर अड़ ही जाती हो। रुको, हाँ ये यहाँ पे रखा हुआ है। खुद ले गए हो तुम, अच्छा लिखवा दो वो, मैं इतनी देर मैं भी इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खाना चढ़ाना है। मैं लिखवा देता हूँ। लिखवाओ। एक मिनट, अकाउंट किसके नाम पे है मैडम? मेरे नाम पे है। इनके नाम पे है ना, मेरी वाइफ के नाम पे है। बताइए नंबर। AZMP। मैं दे देता हूँ। आप फिर जल्दी करवा दीजिए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ठीक है, तुम कब तक आ जाओगे आज घर? नॉर्मल टाइम पे आऊंगा। नॉर्मल टाइम तुम्हारा मैं देख रही हूँ, रात को 10-10 बजे आ रहे हो तुम। तो 10 बजे तक तो काम ही करता हूँ ना यहाँ ऑफिस। मैं भी रख रही हूँ। हेलो है, हेलो, आपने अभी फोन नहीं रखा? मैम मैं आपसे पूछना चाहता था ये, अच्छा छोड़िए। क्या पूछना है आपको, पूछिए ना। आप अभी किससे बात कर रही थी? मेरे हस्बैंड से। आपका क्या गला खराब है? कौन है ये लाइन पे दीप? आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा हर बात। आप मेरी वाइफ से क्यों पूछ रहे हैं? नमस्कार सर, मैम आपका, आप दोनों का कभी बच्चा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कैसा होगा। हेलो सुधीर, थैंक यू सो मच बेटे। कौन बोल रहे? अतुल के घर पार्टी में आए थे ना, मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ से निकले हैं डिनर करके और मैं अतुल के घर आया हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड यू नो व्हाट, आप जब निकले हैं फैमिली को लेके, आई थिंक आप आए थे, वाइफ आई थी, आपकी बेटी थी और आपकी मॉम भी थी। रात बैठ के बातें आप ही की कर रहे थे जब आप गए ना डिनर करके। आप 5 रोटियां आपने खाई थी डिनर में, मैं और अच्छा भतीजा मेरा अतुल, उसकी वाइफ। बड़ा अच्छा लगा, 5 रोटी खाई आपने। या यू नो ये वो लगा लाना चाहिए आना जाना, हम यही बात कर रहे थे। आपने प्याज भी 2 बार मांगी मैम, तो मेरे को इतनी खुशी हुई। वाइफ ने भी आपके हमारा अपना ही घर समझा बिल्कुल, आपकी वाइफ यकीन करना, हम बात कर रहे थे ऐसी बैठे हुए रात में, 6 रोटी खा गई वो, बातें सारी हो रही थी, हम अंदाजा लगा रहे थे। आपकी बेटी 1.5 रोटी उसने खाई और 2 बार आइसक्रीम ली। एक्चुअली वो टेस्टी यही होना चाहिए, टेस्टी बहुत। मेरे को अतुल यही बता रहा था कि चाचा जी बातचीत के भी दौरान उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। या वो ऑफिस से मैं सीधा आ गया ना, लेकिन यार मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, ये मॉम आपकी बहुत अच्छी, वो अतुल तारीफ कर रहा था मेरे से, मॉम के मॉम भी बहुत तारीफ कर रही थी खाने, इसीलिए 6 रोटी पेल गई। अच्छा लगता है आपस में खाएं बैठे। अच्छा अतुल ने ये सोचा था कि कल भी यूज हो जाएगा खाना, मगर मोहब्बत की बात है सारा ही खा गए। कौन बोल रहे हो आप? मैं चाचा बोल रहा हूँ अतुल का। आपने मुझे कॉल किस लिए किया? बेटे मोहब्बत ऐसे कायम रखो, मतलब हमको रात में बर्तन धोने ही नहीं पड़े। वो क्यों? कुछ था नहीं ना बर्तन में, कढ़ाई वढ़ाई सब खत्म, हमने टोटल लगाई 2.5 प्लेट। आप
लिया तेरा दिमाग क्या गया क्या वहाँ पे तू बर्तन गिनने बैठा था ये खा के वो खा के डर ही करने के लिए फोन. हेलो इज दैट श्रेया क्या हूँ सर श्रेया हाय आई एम कपिल हाय कपिल कौन श्रेया आप मेरे को जानते हो कितना अच्छा लग रहा है यार यू नो इंडियन कम्युनिटी के किसी आदमी से बात करके श्रेया आई गॉट टू नो आप न्यूयॉर्क में रह रहे हो तो कोई भी मुझे इंडियन कम्युनिटी का पता चलता है ना मैं कॉल कर देता हूँ तो यू नो हमको आपस में बातचीत करनी चाहिए आई एम सॉरी ऐसे थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा पहली बार कॉल कर रहा हूँ सो आप न्यूयॉर्क में कब से हो श्रेया यहाँ पे दस साल हो गए हैं आपको अभी मेरे को एक और मेरे आप पता नहीं जानते हो नहीं जानते अमित कुल्लर यू नो हिम अमित कुल्लर ही इज इन बोस्टन आई थिंक वो बोस्टन में है नहीं शायद ऐसे पता आप नहीं मिला मेरे को मिला था वो मेरे को एक बार मिला था तो अच्छा लगता है यू नो घर से दूर जब सब अपने मिल जाते हैं अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता कोई अपना अगर बात कर ले एंड पता नहीं आपके साथ क्या है मेरा तो मैं बहुत मिस करता हूँ यार घर को अभी भी कर रहा हूँ मैं तो मिस घर को मुझे भी बहुत याद आते हैं यू नो इट्स सो वार्म बैक होम इट्स स्पेशली द फूड आई मिस द फूड सो मच यहाँ पे तो वही फिर फ्रोजन ये वो कई चीजों में तो घर बहुत याद आता है अभी बीच में अभी मैं अभी बैठा हुआ चाय पी रहा था यू नो मेरी बहन चाय बनाती है घर पे और मैं इतना मिस कर रहा था मैंने कहा यार उस चाय की बात ही अलग है मेरी मॉम भी बहुत सुपर चाय बनाती है जाते हो आप घर जाते हो अक्सर अक्सर तो नहीं जा पाती बिकॉज वी आर सो फार तो ऐसे वंस इन टू इयर्स प्रॉब्ली कभी लेकिन मेरा ये मैं तो जाता हूँ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता इस चीज से कमाई वमाई अलग चीज है घर अलग चीज है अभी मैं मिस ही कर रहा था मैंने कहा यार पता करता हूँ कोई और भी मिस कर रहा है क्या यार बड़ा अजीब लगता है यार लास्ट फ्राइडे की बात है हमारे ऑफिस में ना गेट टुगेदर हो रहा था तो मैं पहले तो खुश हो रहा था अचानक से एकदम घर की याद आ गई मेरे ना आंसू निकलने वाले थे ऑफिस वाले समझ के कहने लगे कम ऑन यार रो मत मैंने कहा तुम नहीं समझोगे यार घर घर आई नो दैट फीलिंग मुझे भी बहुत बार होता है ऐसे तो या बट क्या करें मजबूरी है काम ले आता है सबको क्या करें बट मिलते हैं श्रेया किस दिन मिलते हैं पक्का तो फिर आप कहाँ रहते हैं यहाँ पे मैं ये बोस्टन देखा है आपने हाँ जी बोस्टन से 18,000 किलोमीटर आप सीधे चलोगे ना तो पानीपत पड़ता है मैं पानीपत में ही हूँ तो आप अभी कहाँ पे मैं अभी पानीपत में हूँ ऑफिस में हूँ मैं पर आपने तो बोला इससे आप घर को मिस कर रहे थे तो मैं घर को मिस ही कर रहा हूँ घर को मिस ही कर रहा हूँ सुबह आ गया था 9 बजे मैं तो जब से मिस कर रहा हूँ 5 बजे तक मिस ही करता रहूंगा अभी चाय जब लेके आया था मेरे को घर की चाय याद आ गई है मैं घर को बहुत मिस करता हूँ मैं घर को इतना मिस करता हूँ मेरा दिल करता है कभी कभी नौकरी छोड़ दूँ मैं श्रेया मुझे मालूम है यार तुम भी घर को मिस कर रही हो श्रेया मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा था मुर्गा यस यस आई हैव सीन योर वीडियोस ओह माय गॉड यू हैव सीन माय वीडियोस हां या दैट इज नाइस अब श्रेया आप मुझे सुन भी सकेंगी न्यूयॉर्क में थैंक यू सो मच और सुनो ना श्रेया रेडियो मिर्ची आ गया न्यूयॉर्क है ना तो हम ख्याल रखेंगे आपका और अब पक्का मिलेंगे मैं न्यूयॉर्क आऊंगा ना आपसे मिलने बस यहाँ पानीपत ऑफिस से छुट्टी मिल जाए मैं लेकिन पहले आपसे मिलने से पहले मैं घर जाऊंगा मैं आपसे मिलने से पहले घर जाऊंगा मैं घर को बहुत मिस कर रहा हूँ थैंक यू सो मच यू टेक केयर बाय थैंक यू बाय बाय हेलो हेलो रहमान पेंटर बोल रहा हूँ मैं आपसे बात कर सकता हूँ अभी मेरे को आपसे एक बोर्ड बनवाना था हाँ बन जाएगा जी बन जाएगा रहमान जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था क्या आपके चार्जेस क्या होते हैं बोर्ड्स के जैसे नंबर प्लेट का तो मुझे किसी ने बताया था आप शायद 500 रुपए लेते हो नंबर प्लेट का और बाकी जो बोर्ड अगर हमें लगवाना है तो क्या चार्जेस होते हैं उसके किस हिसाब से वो बनाएगा क्या कैसे क्या होता है वो उस हिसाब से होगा ना क्या जो आपकी डिमांड है उस हिसाब से बनेगा वो तो अच्छा अच्छा नहीं नॉर्मल बोर्ड ही बनवाना है उसपे वो लिखवाना है बुरी नजर वाले बन जाएगा क्या क्या बनवाना है आपको नहीं उसपे काले बोर्ड पे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला ये तो है बोर्ड हमारे पास रखा है ना 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 रहमान जी ये बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला नहीं तो फिर बुरी नजर वाले यू आर वेलकम
बुरी नजर वाले यू आर वेलकम, ये आपका स्वागत भी कर सकते हो आप, आपका स्वागत है। कहाँ लगाना है हमारा ये, मैं शर्मा ऑप्टिकल से बोल रहा हूँ, हमारा आई सेंटर है, तो जैसे आंखें वाँखें खराब होती हैं ना, कम दिखाई दे रहा है, मोतियाबिंद है, नज़र बुरी है, तो यू आर वेलकम। भाई मान गया मैं तो, आपकी दुकान पे तो यही लगना चाहिए, यही बनवा लो। हेलो मांजरेकर जी, आपसे बात करनी थी मेरे को कुछ प्लाट को लेके। नहीं यहाँ तो कोई मांजरेकर नहीं है, आपको किससे बात करनी है? ओह आई एम सॉरी, मैं नाम को लेकर, आप कौन बोल रहे हो? शुभो जी आपसे ही बात करनी थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था नाम को लेके। ये कह रहे थे ना कि प्लाट की रजिस्ट्री नहीं हो रही है और कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, तो वो बताया भी होगा आपको यादव जी ने। समीर जी सबसे पहले तो ये बताऊँ कि मेरी किसी से ना, नाम शुभो, हाँ शुभो जी कि ये जो आपका प्लाट है इसकी रजिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप यकीन करना विक्रांत जी, मैंने अभी एक प्लाट लिया है। मेरा नाम शुभो है, मैं थोड़ा आज जी वही जो भी हो, मैं आपको सही बताऊं, वो प्लाट मेरे को मैंने आज से 5 साल पहले दिया था। प्रॉपर्टी जो है ना वो लॉन्ग टर्म है प्रॉपर्टी, समझ रहे? और अक्षिता आप यकीन नहीं करोगी, मैं ये शुरू में शुभो जी जो भी हो, तो मैंने ये कहा, मैंने कहा प्लाट का अगर मसला है तो फिर आप प्लाट के पेपर्स देख लो पहले। मेरे को जमीन वो पसंद है बट वो मेरे को रजिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, देखिए आपको जमीन कितनी पसंद हो, रजिस्ट्री में थोड़ी बहुत भी अगर एंथनी जी आपको पसंद नहीं है ना, प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको कैंसिल कर देना। आप तो पहले नाम कैसे बोल रही है मेरा, जो भी हो आप एक काम करो ना, मैं ये सेम लोकेशन में सेम एरिया का दूसरा फ्लैट दिखा दूं आपको। रहना नहीं है मेरे को, इन्वेस्ट करना। आई नो, मेरे को बता दिया था उन्होंने कि आपके इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है। और एक बात बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा येदुरप्पा जी कि आप मेरे से ही लो, आप इलाके में किसी से भी ले लो। इस शुभ वो जो भी है, आप ये बताओ आप प्लॉट न लेके दुकान चलेगी? दुकान तो बसता नहीं है, मैंने पहले भी ली थी पर मेरे को फायदा नहीं हुआ। आप एलिजाबेथ मेरी बात तो मानो, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा नाम शुभ है। जो भी तो आप पूरन जी मिलोगे आप फिर ऑफिस में या घर आऊं मैं? पागल है तू, उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों भड़क रहे हो मंगोल जी, मैं कोई आपको क्या है, ये नाम भड़क रहा है, मैं आप फाइनल नाम बोलूं आपको? क्या कह रहे तू, नवेद मत लिख ले तुम, नवेद आप अपने दिमाग में रखियो, रेडियो मिर्चिस नवेद बोल रहा हूँ। विक्रम जी अब एक काम करो, अनुप्रिया आपका मुर्गा तो बन गया है लेकिन एक बात याद रखना कुसुम। अरे यार क्या पागल बना रहे हैं। हेलो, हाय अपूर, दिस इज अदनान, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ज़ीना। हु इज दिस? अदनान, Sangeeta must have spoken to you about me. So yeah, you're working with India, right? Research and development, right? Yes, I'm heading that project. Oh, that's great. Okay, Apoor, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी जो हम कवर कर रहे हैं, you know, एक गैजेट शो भी है और एक मैगजीन भी है, but I want to ask you something कि we have realized somewhere स्मार्टफोन, अब आपकी भी कंपनी जो स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, right? Yeah. उसका साइज थोड़ा बड़ा है। राइट। सो ये मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक क्यों मोबाइल फोन के साइजेस बड़े हो रहे हैं, ए, बी फायदा क्या है बड़े होने से? या सी अदनान, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज गोइंग टू स्विच फ्रॉम 3G सर्विसेज टू 4G इन आवर इयर्स टाइम, सो एवरी कस्टमर इज नाउ गोइंग टू यूज इंटरनेट सर्विसेज लाइक आई मीन इन अबंडेंस। It's gonna be with the same with Samsung, Apple, everywhere. Even the homegrown companies like Micromax, they're all going for 5 inches or more than that. क्यों ऐसा, मतलब क्यों हो रहा है? आप बोल रहे हैं कि सारी कंपनी साइज बड़ा कर रहे हैं। यू नीड टू हैव अ बिगर साइज ताकि आप अपनी यूट्यूब स्ट्रीमिंग अच्छी तरह से देख पाए, इट विल बी अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। आजकल आपने देखा है लोगों को सेल्फीज का एक कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली रियली फेमस, राइट? सो दिस न्यू फोन ऑफ आवर्स गोना हैव अ वाइड एंगल कैमरा एज द फ्रंट कैमरा। ओके, दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन वर्किंग फॉर अराउंड 1 ईयर नाउ। तो जो हार्डकोर गेमर्स हैं वो अपनी गेम्स खेलेंगे सीमलेसली ऑन द बिगर स्क्रीन, तो अब टीवी और फोन में ज्यादा फर्क नहीं लगेगा उनको क्वालिटी में। आई एम टेलिंग यू इन द कमिंग इयर्स, अब हर कंपनी, बी इट आप माई कंपनी और एनी अदर यू नो कॉम्पिटिशन ऑफ आज, ये मोबाइल फोन का साइज अब सिर्फ बढ़ेगा ही करेंगे, इनफैक्ट सारी कंपनीज बड़ा कर देंगी साइज। ये बिल्कुल, ये ट्रेंड देख लीजिए आप, नोबडी वांट्स अ स्मॉलर फोन नाउअडेज। What my suggestion is, because I am into this field from last 10 साल हो गए मेरे को यही मोबाइल पे ही सोचना R&D, क्योंकि हर कंपनी आप बता रहे हैं कि साइज बड़ा करने में लगी हुई है मोबाइल फोन का, यू नो वट एवर रीजन, जो भी रीजन हो, बट my suggestion is जब आप बड़ा कर ही रहे हो साइज को, मोबाइल फोन को साइज आपको इतना बड़ा तो एटलीस्ट करना चाहिए कि जो पीछे का ढक्कन होता है ना मोबाइल का,
तो उसमें कम से कम इतनी व्यवस्था तो हो, क्योंकि पीछे के ढक्कन के अंदर दो पराठे, आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा अचार और मीठा कहीं भी आप रख सके उसमें। क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, मेन यूजर की प्रॉब्लम क्या है, एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में ऑफिस जा रहे हैं टिफिन पकड़े हुए। अबे यार टिफिन की क्या जरूरत है जब मोबाइल बड़े कर रहे हो। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ इसमें, कि एटलीस्ट इतना प्रोविजन हो जाए कि पीछे के ढक्कन के पीछे दो आलू के पराठे, सिंपल, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, दो आलू के पराठे, आलू की सूखी सब्जी, थोड़ा अचार और मीठे में कुछ हो जाए। जब आप इतनी R&D कर रहे हुए हैं, मतलब Good point, Adnan. जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे, I told you about the pre-installed apps also. Actually, हाँ, absolutely. Yeah. तो हम उसमें ये, हमें ये करना चाहिए कि कुछ एप्स को हम अभी ना R&D डिपार्टमेंट में रखें, उनको ना फोन में ना डालें। इससे क्या होगा कि आपके जो दो परांठे और सब्जी है और साथ में मीठा है, उसके साथ आपकी रायता की भी जगह बन जाएगी। अगर आपको करना है, धीरे धीरे हम इसमें ढाबा कॉन्सेप्ट ले आएंगे। आपने चार लोगों का, एक एक फैमिली एक फोन, लेकिन चार लोगों का खाना, एक बूम करेगा बिजनेस की तरह। एक्चुअली बहुत ज्यादा बूम करेगा, यू नो, बहुत ज्यादा बूम करेगा। अब तो आप समझ भी गए, यू नो, बगल पब्लिक नहीं समझ पा रही है, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उनको मालूम भी है कि भाई नवीद बोला है रेडियो मिर्ची से, तो कुछ कुछ सोच के ही बोल रहा होगा। बट वी हैव टू डू समथिंग, यू नो, मोबाइल बड़ा कर रहे हैं तो काम की चीजें करें साथ में। हाय नमस्ते, क्या हालचाल। जिस इंसान का मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं, इनकी वाइफ से बात कर रहा था मैं भी, और वाइफ को मैंने होल्ड पे डाल रखा है। हेलो, हेलो, इज दैट मिस्टर संजय? यस मिस्टर संजय, हाय मिस्टर संजय, हाय, आई एम गौरव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मॉल। सर यू रिमेंबर, यू केम टू मॉल, आपने एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, एक फॉर्म फिल किया था, यू रिमेंबर सर? Yes, sir, that's why I called you. मैंने इसलिए फोन किया है सर। Congratulations, आप ये कॉन्टेस्ट जीत गए, हालांकि आपको लग नहीं रहा था, बट सर इसमें हम जो भी कॉन्टेस्ट जीता है सर, इसमें कपल लाइक आपकी वाइफ और आप पार्टनर जो हैं, वो गोवा सर, 3 days 2 nights गोवा सर। तो जितने लोग होते हैं वो फॉर्म फिल करके जाते हैं, उसमें से एक लकी कोई कपल होता है। तो सर मैं थोड़ा सा आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूं, राइट सर? सर एयर फेयर, आना रिटर्न, लाइक आना जाना, होटल स्टे, आपका होटल सर, ब्रेकफास्ट और दो मील, ये सारा फ्री है। लेकिन मील के अलावा अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं, लाइक रूम सर्विस में कुछ मंगवाना चाहते हैं, वो चार्जेबल होगा सर। कल एक बंदा भेज के सारी डिटेल ले लेता हूँ, राइट सर? डन डन सर। इसमें एक ऑप्शन और है, वैसे जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि सारा कंपनी का है, मैं आपको बता देता हूँ सर। इसमें अगर आप कपल ना ले जाके, लाइक कपल ना जाए और चार अपने फ्रेंड्स को ले जाएं, लाइक 5 लोग हो जाएं, आप और चार आपके दोस्त, तो सर ये 7 nights and 8 days हो जाता है सर। ओके, मैं ये ऑफर अवेल कर सकता हूँ क्या? ये वाला तो कर सकते हैं आप सर, कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए डिटेल्स भेजना है मेरे को आपको। तो यू विल बी गोइंग विद योर फ्रेंड्स, राइट सर? Yes. लेकिन सर इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट है, दोनों मील कंपनी की तरफ से नहीं दे रही है, इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा, दोनों मील आपको यू नो पे करना होगा उसको। अरे सर कोई बात नहीं, कर लेंगे, ये मेरे को बेस्ट लग रहा है, मेरे ख्याल से यही करना चाहिए। तो सर मैं आपकी वाइफ जो सीमा आपने नाम बताया, ये काट देता हूँ फिर, राइट सर? हाँ जी। लेकिन सर वो कह रही थी कि वो जाएंगे। वो कह रही थी मतलब? मेरी बात हो रही थी ना उनसे, अभी भी हैं, एक सेकंड रुकिए। हेलो सीमा जी, सीमा जी हाय, सीमा जी मेरे संजय जी से बात हो रही थी, उन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन लिया है, तो मैंने इनको समझाया भी, उसमें चार दोस्तों में तो आपको एक तरफ का देना भी है एयरफेयर, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं हो जाएगा। मैंने ये भी बताया इनको कि 2 मील आपको करने पड़ेंगे, कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। मैंने ये भी कहा है एयरपोर्ट से टैक्सी आपको लेनी पड़ेगी। हेलो, हाँ जी सर, समझ नहीं आ रहा, जब मैंने कह दिया मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ और ये दूसरा वाला ऑप्शन हटाई, तो यहाँ से चाले लुटेरे पैसा कमाने की स्कीम है बस इनकी। ठीक है सर, मैं हटा देता हूँ, राइट सर? तुम्हारी कंपनी के ड्रामे फासने के? नहीं सर, मैं तो नहीं फास रहा था, राइट सर? आप चले जाइए वाइफ के साथ, चले जाइए, हैव फन सर। मुझे मत बता, हैव फन कर लूंगा मैं खुद। ओके सर, गॉड ब्लेस यू, बाय सर। हेलो, इज दैट निष्ठा? हाय निष्ठा, व्हाट इज योर नेम? आई एम करण। हाय करण, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम मिस्टर जुनेजा। या करण, व्हाट इज दिस रिगार्डिंग? Mr. Janeja told me, like,
You are looking for someone, and maybe you know. Oh, okay. Yeah. Can I ask you something? मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? Yeah, please now. What? I don't know. मुझे ये भी थोड़ा awkward से feel हो रहा है कि you know directly. I can understand. Even I have not done this कभी. But you know, mom dad पीछे पड़े रहते हैं कि you know शादी कर ले शादी. I completely understand. मेरी भी मम्मी पीछे पड़ी हैं इतने दिनों. I know. Listen, can I ask you something? क्या करती हैं? What do you do exactly? I'm manager in a PR agency. That's great. Where's your office? It's in Kailash Colony. Kailash Colony, not so far. Sorry, but can I ask you something? Yeah, please go ahead. Puchhiye. Aap kya karte hain? What do you do? I'm into admin. That's great. What exactly in admin? Like, I'm the admin manager. Oh, geez. Okay. Where? WhatsApp. On WhatsApp. Like, I joined this group as an admin, like, in 2003. Radhika is there, Manpreet is there in my group, and Radhe is there, Shefali is there. I'm looking for, like, almost, aap keh sakte ho, 7-8 groups mein dekhta hoon. Admin on WhatsApp? Yeah, admin on WhatsApp. Nishtha? Yeah. हेलो. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड. सर, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ क्या? हु इज दिस? सर, आप बोल रहे हो? हाँ जी. यूट्यूबर? हाँ जी. ओह माय गॉड. सर, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आपका हेलो सर, आप यकीन करना, मैंने कैसे कैसे आपका नंबर निकलवाया है यार. हे भगवान, ओए यार, आई कांट बिलीव दिस. सर, आर यू श्योर? सर, आप यूट्यूबर बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बट आई वांट टू नो आपको मेरा नंबर कैसे मिला. ओह माय गॉड, हे भगवान. आप एक मिनट बताइए सर, मैंने आपका नंबर, सर ये मत पूछो, आज ये मेरे ख्याल से सर 15वां दिन है मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, कोई गलत नंबर दे देता था, कोई कैसे, फाइनली आज बात हो गई सर. सर, मैं आपका फैन. ओह, थैंक यू. मैं नहीं हूँ आपका फैन. मैं आपका फैन बिल्कुल नहीं हूँ, आप माइंड मत करना. 15 दिन हो गए मुझे, मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था सर, मुझे आपका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया और मुझे एक धेले का नहीं लगता, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊँ. मैंने फिर भी एक कम से कम एटलीस्ट बंदे को बताना चाहिए सर. मतलब आपका मेरे ख्याल से आपके शायद 6 वीडियोस हैं, मेरे को एक बता दो जो एक मेरे को अच्छा लगा हो, एक भी अच्छा. तीसरे वीडियो पे आप जाओगे ना, आप देखना, उसमें नीचे जाके देखना, अनूप करके एक वो आया होगा, अनूप मेरी आईडी से, उस पर लिखा हुआ है. अच्छा. क्या बकवास है ये. अच्छा, तो फिर मुझे फोन क्यों किया है? मैं इसलिए बता तो दूं, आपको याद है आपने एक इवेंट भी किया था छोटा मोटा स्कूल में, वो कॉलेज में. हाँ, मैं नहीं गया वहाँ पे, मैंने कहा कौन पैसे बर्बाद करे और वक्त भी बर्बाद करे. अरे, मेरे को ये भी याद है, एक वीडियो में आपने ये भी कहा था कि मेरे को सारी जगह फॉलो करो, एक जगह नहीं किया मैंने अभी तक फॉलो आपको, ना मैं करूं. तो तू मेरे को ये बता, तूने मेरे को फोन क्या, किसने किया ये सब बातें करने? फोन इसलिए किया, वो तो अभी तक बात निकली नहीं सर. फोन इसलिए किया क्योंकि फोन ही करता हूँ मैं, जैसे आपको तूने मुझे ये सब बताने के लिए फोन किया. फोन इसलिए किया क्योंकि आपको ये तो पता चला कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. और सुनिए, जैसा भी काम कर रहे हैं आप, कमाल काम करते हो, लेकिन भाई करते रहना, हिम्मत मत छोड़ना, ठीक है? यार, कितना बना है यार, मुर्गा बना रहा था भाई, मैं मुर्गा बना रहा था. बड़े आरामी हो. बाय 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 बाय. ओके बाय. हेलो, ये अर्जुन बोल रहे हो आप? यार अर्जुन, एक बात बताइए आप, ये कहाँ की इंसानियत है? आपने लक्ष्य से 5,000 रुपए ले रखे हैं, उसने उधार दिया, आपको वक्त पे काम आ गए, अब आप उसका फोन नहीं उठा रहे, वो अपने फोन से फोन करता है, आप उसका फोन डिस्कनेक्ट कर देते हो, यार गलत है ना? हेलो अर्जुन. अर्जुन तो नहीं है, बोलो बेटा. अर्जुन नहीं है बेटा, डैडी बोल रहा हूँ उनका. आप अर्जुन के डैडी बोल रहे? हाँ, उनका डैडी बात कर रहा हूँ. अरे अंकल, वो आपके बेटे अर्जुन ने मेरे भाई से 5,000 रुपए ले रखे थे. अरे आप फिक्र नहीं करो, उसकी पिटाई करूंगा मैं. आप पिटाई करना, ठीक है ना? मैं हाँ पिटाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हेलो, कौन बोल रहे हैं? अर्जुन का पापा बात कर रहा हूँ. कौन? मिस्टर करबंदा. हाँ, करबंदा बात कर रहा हूँ.
हे भगवान, मिस्टर खरबंदा आपने उठाया। मिस्टर खरबंदा, स्वीटी बोल रही हूँ। मिस्टर खरबंदा, आई वांट टू टॉक टू यू। मेरे शायद घर वालों को शक हो रहा है कि आपको और मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे भैया रात में मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे तूने गैप देखा है खरबंदा जी और अपने में। मैंने कहा जब प्यार किया तो डरना क्या, तो उन्होंने ये भी कहा कि शादीशुदा है वो। मैंने कहा सो व्हाट। ओहो, वैसे कब चला हमारा अफेयर? मिस्टर खरबंदा, आपको इस वक्त मजाक सूझ रही है कब चला है हमारा अफेयर? क्या सोच रहे हैं मिस्टर खरबंदा? आई एम वरिड। नहीं, आज बात करता हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने अपना? मिस्टर खरबंदा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा, नाम बताना एक बार। स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। और ये लफड़ा कब से चल रहा? आज ढाई साल हो गए मिस्टर खरबंदा हमें। अच्छा, ढाई साल हो गए। आज आ जाए पापा, ढाई साल इनके मैं निकालता हूँ। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग, मैं cosmetic.com से बोल रहा हूँ। आप प्लीज बाद में कॉल कर सकते हैं, मैं अभी पेशेंट के साथ आईसीयू में हूँ। पेशेंट कैसे हैं मैडम अभी? अब तो बेटर है मैडम। मेरे को आपको सेल के बारे में बताना था, 80% सेल जो आज से शुरू हुई है, इसमें अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इसमें लिपस्टिक आपकी 3 फ्री मिल जाती हैं बिल्कुल। क्रीम पे 75% ऑफ, लखनवी सूट पे 25% ऑफ, लॉन्जरी में 40% ऑफ अभी रजिस्ट्रेशन करने पे। मैडम फर्स्ट टाइम बोनांजा फुटवेयर्स पे 75% ऑफ अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। कॉस्मेटिक पे कितना बताया था आपने? 40% ऑफ मैडम अभी रजिस्ट्रेशन करने पे। मैडम फिर मैं आपसे बाद में बात कर लूं। आप एक मिनट होल्ड करिए, डॉक्टर आए, मैं एक मिनट से बात कर लूं। किसने डॉक्टर? He's had food in the afternoon once, so does he need to have food again? इनको मुझे रात तक लाइट ही रहती है। हेलो, यस मैडम। अच्छा आप फुटवेयर पे कितना बता रहे थे? 42% मैडम, बोनांजा फर्स्ट टाइम 42%। हैंडबैग पे भी है सेल? हैंडबैग से मैडम अभी रजिस्ट्रेशन करने पे, अभी है तो नहीं लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते तो हैंडबैग पे 20% हमने ऑफ रखा हुआ है। ये नया कलेक्शन है या पुराने वाले पे ही है? नया कलेक्शन है मैडम, सभी स्टोर्स पे। एक मिनट। हेलो, मैं एक घंटे में आपके स्टोर आ जाती हूँ। थैंक यू मैडम, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू। हेलो, किशोर। किशोर, यू रिमेम्बर मी? आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंकॉक। बताया, you're calling from? I am calling from Bangkok. You remember me, Noah? Noah? You remember me, Night? Yes. You are not coming back again. I will. We went to Pattaya together, beach, then hotel. Yes, had lot of fun. yeah, been lot of fun. Yes. You very naughty. It's okay. It was very a lot of fun. Naughty. How's your family? All well. How are you? You are naughty. You didn't tell me you have a family. You told me later. But I told you later, na? How are you? You remember? I remember you every day and evening. You remember we in hotel, you naughty? Yes, good hotel, good place. We took photograph, you remember? Yes, lot of photographs. Kissing? Yes, during the kiss. You are very handsome, I always look your photograph. Yeah, that photograph, Rosie, I remember. Rosie, no, Nova. Oh, Noah, last trip, huh? Noah, yeah. Yeah. So, yeah. You remember, Noah? You know, yeah. Send me that photograph, na? That we took during kissing. You naughty. No, but I need the photograph. I'm missing you. You want to see me? Yes, I want to see you. I want to remember that moment. Remember hotel, send me all 52. Beach. Yeah, I remember hotel, tuk-tuk, tuk-tuk, beach. Tuk-tuk, we were sitting in a tuk-tuk. Yeah, I love you. I also love you. No, just send the photograph. WhatsApp me right now. I am not WhatsApping you. I am tagging you on Facebook. You will check after 1 minute. I have 52 photographs. Your name is Kishore Jaiswal. I am tagging you right now, one by one, Facebook. No. Let me tagging you, naughty. No, Noah. Not on Facebook. No Facebook photo. Why? I want to tag you on Facebook. No tagging on Facebook. But I love you. Don't you love me? बोल तो रहा हूँ तेरे को, आई लव यू, लव यू 10 बार, लेकिन नो टैगिंग। आई लव यू, आई वांट टू टैग यू 1 मिनट आफ्टर 52, लेट मी। अरे सच्ची, आई लव यू, नो टैगिंग, आई लव यू बट नो टैगिंग। सवाल मेरे इसकी चोर जैसे सवाल टैगिंग यू राइट नाउ। ओए नो, सुन नो। यस,
Where are you? You don't love me. Oh, I love you. No, I love you from the bottom of my heart. Why not tagging? Oh, no tagging. It is not good. And in India, ban tagging. Everyone is banned on tagging. No one can tag. No one can tag? Person will go to jail. I will not come to Bangkok if you tag. Oh my God. Don't tag. Is she your wife? She's so pretty. Who? The pink suit. No. She's no more. Died. Plane crash accident. So don't tag. Yeah, Noah? No, I'm tagging you. This is so... Oh, no. Don't tag on Facebook. Oh, Noah, you have Orkut account? No, Orkut. You create an account on Orkut and tag me there. All 50 photographs. We will watch every day. Okay, come to Bangkok. I will come and spend don't 5 days you with you. Don't you love me? I want to talk to you. No, we can't talk right now. Understand. Why? I'm on funeral in my wife, na, right now, Abhi, so can't talk. You are on funeral, what happened? She told you, na, accident, plane crash, no, she die. My God. Yeah. This is so bad. Yeah. Very bad. You are not alone. I love you. But don't you love me? I love you, yaar. Okay, I'll call you later. Okay. Hello? Ye Shishpal ji. हाँ. 2 मिनट दे सकते हैं आप? सिर्फ 2 मिनट. कौन बोल रहा है? वरुण बोल रहा हूँ आपसे. मेरे को जरूरी बात करनी थी. क्या बात है? मेरी जो पत्नी है पिछले 6 महीने से मतलब हमें बनती नहीं है. मैं कुछ और कहता हूँ, वो कुछ और कहती है. वो अगर ये चाहती है इधर चलो, मैं उधर जाता हूँ. मतलब कुल मिला के ये है कि हमारा बता मैं क्या करूँ इसमें. कौन है तू? ये मैंने नंबर सत्तू जी से लिया था. सत्तू जी को जानते हैं आप? सत्तू जी से? हाँ जानू सत्तू. हाँ बोल. मैं आपसे कुछ चाह रहा था. मैं और मेरी वाइफ की बिल्कुल नहीं बन रही है यार. अरे वो क्या कह रही तुझसे, जो तेरे माता पिता से अलग होने कह रही, क्या कह रही है तो बता. कैसा कुछ नहीं रही है, लेकिन बनती नहीं है हमें. जैसे मुझे खाने में कुछ पसंद है, उसे खाने में कुछ पसंद है. जब शुरू में ये डार्लिंग यहाँ चल रहे हैं, डार्लिंग जीन्स पहन ले, डार्लिंग यूं कर ले, और बाद में जब फटके हाथ में आ जाए तो यूं कहें कि हमसे बनना रही. मेरी बात आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे यार. अरे क्या ना समझ रहा मैं, तू ही बता कि मुझसे क्या चाहे. तू तलाक करा दो हमारी. हैं? तलाक करा दो हमारी. मैं पागल हो रहा बहन, पागल ही हो गया. किसी ने नंबर दिया था? मैं यहाँ क्या तलाक कराने का बैठा हूँ? तू आप थोड़ा सा भी कोशिश करते जब मेरी तलाक करा देते ना. मैं पागल हो गया तू बहन. मैं तुझसे कह दिया कि मैं कहूँ सारी और फोन कर रहा हूँ, मुझे जाके वो कल वकील कर ले, वकील को लेके जाएगा ये अपना कोर्ट में. तो तलाक नहीं कराते आप? अबे कह तो दिया उससे भाई ना कराते. तो फिर शादियां क्यों कराते हो? क्या सर मैं यही कह रहा हूँ, जब शादियां कराते हो तो फिर पूरी जिम्मेदारी ले रहे हो ना, फिर तलाक भी आप ही कराओ. मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी उसी मेंटालिटी के हो. और ये तो सत्तू जी ने ही मुझे बताया कि आप भी ये कहते हो कि उन लोगों की बात बिल्कुल ठीक है कि वैलेंटाइंस डे पे अगर दो लड़का लड़की आपस में पार्क में दिखे तो उनकी शादी करा दो. यार तो फिर अगर उनकी शादी करा रहे हैं तो मेरी वाइफ से मेरी नहीं बन रही, मेरी तलाक करा दो ना. जब इतनी फिक्र है, इतना बुरा लगता है आपको सोसाइटी में सब कुछ ठीक होना, तो ठीक वाले काम भी तो आप करो ना. आप लोगों को लड़कियों से परेशानी क्या है, जीने क्यों नहीं देते यार उनको? आपको किसने हक दे दिया कि शादी करा देनी चाहिए? अभी तो आप चिल्ला के कह रहे थे कि तलाक करानी है तो कोर्ट से करा, मेरे पास क्यों आया है तू? है? शादी करानी है तो भी तो कोर्ट के पास जाऊंगा मैं, शादी भी तो मेरी कोर्ट ही करा सकता है. आप कहां से आए भाई शादी कराने वाले? इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए आप. जिस तरह आप तलाक नहीं करवा सकते, इस तरह आप किसी की शादी भी नहीं करा सकते, समझे आप? मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी कराना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी जहनीयत के आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को. आपके ये बातें समझ में आने लगेंगी जो उस दिन हम बात करेंगे यार. आपका दिमाग इस लायक नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है? हेलो हेलो जी जी सर, मैं ये बिट्टू बोल रहा हूँ. ये वर्कशॉप से आपने गाड़ी दी थी ना जिसके इंजन में प्रॉब्लम हुई है? यार गाड़ी का इंजन चीज हो गया है यार, पता नहीं ये कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ है. गाड़ी में तो ठीक ठाक छोड़ी थी. वो लड़के तो लगे हुए हैं काम पे. सर वो रीजन तो पता चल गया कि इंजन चीज क्यों हुआ है, लास्ट वीक हुआ है ना ये? 5 दिन में तुम्हें पता लग रहा है कि रीजन क्या है? नहीं मैनेजर साहब ने कहा था, आपने पूछा भी था ना कि इंजन सीज क्यों हुआ है. सर ये वजह पता चल गई. मैं कह रहा हूँ आगे फ्यूचर में ख्याल रखना आप. अरे फ्यूचर में ख्याल रख लूंगा, 6-5 दिन में तो गर्मी से जवाब दे रहे हो. नहीं आई एम सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये इंजन सीज क्यों हुआ है. सर असल में प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बता दूँ. इसमें सर क्या होता है, इसमें आई एम श्योर आपने जब गाड़ी चला रहे थे ना, एक्सीलेटर जो जब दबाते हो आप, हाँ, तो आपके पैर के नाखून बड़े हुए हैं ना कुछ?
भाई एक बात बता मुझे, सर मेरे पैर के नाखून और एस्केलेटर से क्या लेना देना है? सर यही तो आपको नहीं मालूम ना सर, पैर के नाखून जब बढ़ते हैं ना तो पैर के नाखून से क्या होता है डेंसिटी। यार आप एक तो गाली दे रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर में क्या करना है। अरे तो पैर के नाखून और एस्केलेटर का लेना देना क्या भाई? सर पैर के नाखून बड़े होंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी आपका प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा इंजन के आरपीएम ज्यादा हो जाएंगे, आरपीएम ज्यादा होने से। और सर ये नाखून की भी बात पूरी नहीं है सर, आपका इंजन पूरी तरह सीज नहीं होता, आपने डिक्की खोली होगी। नहीं नहीं डिक्की वही बता रहा हूँ ना, आपने डिक्की 100% उल्टे हाथ से खोली है, इसलिए प्रॉब्लम हुई है, इंजन सीज हुआ है। ये इंजन और ये नाखूनों का गिन से क्या लेना देना पागल है? अगर इंजन और नाखून का कुछ लेना देना नहीं है तो कोरोना और देखने का क्या लेना देना है? कौन बोल रहा है ये जरूरी नहीं है, क्या बोल रहा है ये बहुत जरूरी है। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, फोन मत काटना मेरी बात सुनो, इस वक्त ये बहुत जरूरी है तुम्हें बताना और तुम्हें ही नहीं पूरी दुनिया को बताना। ये क्या बकवास करते हो तुम, फेसबुक पे क्या लिखा है तुमने कि किसी को अगर कोरोना है अगर वो किसी को देख भी लेगा तो दूसरे आदमी को कोरोना हो जाएगा। तुमने ये तक पोस्ट कर दिया कि किसी को अगर बुखार है तो उसमें फोन तक बात मत करो उससे। अरे भाई ये तो मैंने पोस्ट कर दिया, तो ये भी तो आया तुम्हारे पास जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर पैर के नाखून बड़े रहेंगे तो इंजन सीज हो जाएगा, ये भी करोगे तुम मारे लगे? नहीं नहीं ये तो ना करो, ये तो पागल बात होती है। तो वो भी तो पागल बात है तुमने आगे कर दी। मैं तुम्हें फोन पता है क्यों कर रहा हूँ, इस वक्त कोरोना से इतना खतरा नहीं है जितने कोरोना से जुड़ी हुई है जो रूमर चल रहे हैं ना, जितनी ये बकवास बातें चल रही है इससे ज्यादा खतरा है। हम वैसे ही इतने सब परेशान हैं, इस बीमारी से लड़ना है हमें, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी होती है जब तुम जैसे लोग ऐसी बेवकूफी करते हैं और पता नहीं कितने हजारों लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर वो अपनी अकल नहीं लड़ाते, वो भी डॉक्टर बन जाते हैं। हर दूसरा आदमी कोरोना में डॉक्टर स्पेशलिस्ट बन गया, यार ये मत करो प्लीज। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि कोरोना को रोक लेंगे, ऐसे दिमागों को कब रोकेंगे यार हम, इस वक्त जब इंसानियत में वैसी बहुत परेशानी है, इंसान खुद परेशानी क्रिएट कर रहा है कि नहीं रूमर्स बना दो, बालों से होता है कोरोना, देखने से होता है कोरोना, किसी से फोन पे बात मत करो कोरोना होता है, अगर मुझे कोरोना है तो तुम्हें हो गया अब तक कोरोना? यार जो मेरी बात सुनो प्लीज, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि मैं कितने बेवकूफ हो यार तुम, मैं ऐसे कभी किसी से बात ही नहीं करता हूं। तुम्हारी टाइमलाइन पे जाके देखा था मैंने, तुम्हारी टाइमलाइन पे पिछले 5 दिन से यही चल रहा है, कोरोना ऐसे भी हो जाता है वैसे भी हो जाता है। तुम जानना चाहते हो, बल्कि तुम नहीं आप सब जानना चाहते हैं, ये बेवकूफ लोग बहुत डराते हैं, इनको खुद को अकल होती नहीं, प्लीज अपनी अकल लड़ाइएगा। और राजू तुम फोन मत काटना, ये डॉक्टर हैं ये बताएंगे कि कोरोना किन चीजों से होता है। डॉक्टर जरा प्लीज इन जैसे लोगों को बताइए कि किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये फोन लाइन पे है मेरे साथ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जरा प्लीज बताइए किन किन चीजों से फैलता है कोरोना। देखो मैं कोरोना के बारे में एक ही बात बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें अगर आपको किसी तरह से भी कोई खांसी जुकाम बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है या रनिंग नोज है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, आप मास्क लगा सकते हैं और परिवार में या बाहर वालों से थोड़ा सा 1-1.5 मीटर का गैप पे बात करिए, अदरवाइज सोशल मीडिया पे अफवाहें मत फैलाएं कि ये कैसे फैलता है टेलीफोन से बात करने में, कोई भी किसी तरह से भी अफवाहें मत फैलाएं, ये एज ए डॉक्टर भी बताना चाह रहा हूँ आपसे और एज ए जनरल पब्लिक भी बताना चाह रहा हूँ, इट्स ऑल राइट। एंड डॉक्टर गुप्ता ये भी क्लियर कर दीजिए जो सुन रहे हैं, हाँ जी, कि किसी को देखने से कोरोना नहीं, नहीं देखने से बिल्कुल भी कोरोना वायरस नहीं फैलता। अब मेरे ख्याल से दिल्ली आप सारी बात समझ गए होंगे। डॉक्टर गुप्ता थैंक यू सो मच और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना जल्दी चला जाएगा। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू, समझ गए तुम। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू नवाज भाई, अब तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कभी जिंदगी में, मत करना। और सुनो जितना कोरोना फैल रहा है ना हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसी चीजें ज्यादा फैलाएं, तो बताओ अब लोगों को जाकर कि कितनी चीजों से हो रहा है कोरोना और कितनी चीजों से नहीं होता। कोरोना से मरे ना मरे इस जहालत से और बेवकूफी से मर जाएंगे हम लोग। आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच। अब तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम्हारे पेज पे आकर जितने लोगों ने फॉरवर्ड किए उन सबको बताओ कि इस चीज से नहीं होता कोरोना। मैं करूंगा, मैं करता हूँ। थैंक यू।